नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। वरिंद्रगढ़ से इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पटरी में श्री राम जानकी मंदिर की धार्मिक न्यास की भूमि पर विवाद गहराता जा रहा है, जिसकी प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। जहां एक पक्ष स्वयं को पूर्व पुजारी का रिश्तेदार बताकर मंदिर व उससे जुड़ी संपत्तियों को हड़पना चाह रहा है, तो वही दूसरी ओर वर्षों से मंदिर की देखरेख करने वाले ग्रामीण जन उक्त मंदिर व उसकी जमीन को गलत हाथों में जाने से बचाना चाहते हैं। गांव के ही पूर्व सरपंच रोशन सिंह धाकड़, पूर्व सरपंच सिरोमन सिंह सोलंकी, रामेश्वर पारसर, अवधेश श्रीवास्तव, शिशुपाल सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया की श्री राम जानकी मंदिर के स्वर्गीय पंडित सीताराम चौबे पुजारी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी मंदिर की पुजारण रही। पंडित सीताराम चौबे दंपत्ति की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके परिजन मंदिर की जमीन शुरू से ही हड़पना चाहते थे। इसलिए पुजारी सीताराम चौबे ने मंदिर की जमीन सुरक्षित रखने व मंदिर पर नियमित पूजा होने के लिए गांव के ही प्रेम नारायण दुबे को अपनी दीक्षा देकर उन्हें पुत्रवत मानते हुए उन्हें वहाँ सभी अधिकार दिए, जो की एक पुत्र के रूप में। बाद में उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने भी प्रेम नारायण दुबे को पुत्रवत मानते हुए उन्हें पुत्र के सभी अधिकार देते हुए उनके नाम वर्जित कर अपनी सभी प्रकार की संपत्ति का उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। इसलिए प्रशासन से इस लालची भूमाफिया परिवार को श्री राम जानकी मंदिर का पुजारी नियुक्त न करने की गुहार लगाती है। दतिया से जिला ब्यूरो चीफ संजीव छारे की रिपोर्ट। हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि ग्राम पंचायत पटरी में राम जानकी का मंदिर है, जिसके पुजारी सीताराम चौबे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नीबाई को पुजारी बना दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद गांव के सरपंच ने एक गलत तरीके से प्रस्ताव डालकर उमा चौधरी का प्रस्ताव डाल दिया है, उसे पुजारी बना दिया है। जबकि मुन्नी देवी कोई संतान नहीं थी और उनके शिष्य के रूप में प्रेमनाथ पुजारी ही उनकी सेवा पूजा देख रेख करते थे। उनकी सारी इलाज वगैरह की व्यवस्थाएं देखी हैं और जो वर्तमान में वो वही चाहते थे कि हमारी सेवा पूजा मंदिर की प्रमाण पुजारी करें, लेकिन वर्तमान में जो पुजारी उमा चौधरी बनी है, जो दिवई की रहने वाली है, तो इनका मंदिर की सेवा पूजा से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल संपत्ति को लेकर के विवाद है, वो संपत्ति हड़पना चाहती हैं और हम लोगों को ग्रामीणों को बदनाम कर रही हैं, वो महिला होने का लाभ ले रही हैं। किस तरह से विवाद चल रहा है, इसमें आपका क्या? हमारा कहना ये है कि माफी मंदिर श्री राम जानकी की एकमात्र मुन्नी देवी पुजारी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके परिवार वाले उनकी मृत्यु के बाद जबरदस्ती झगड़ा करते रहे, लड़ते रहे, मुन्नी देवी को परेशान किया है। हमारी अपेक्षा ये है कि मंदिर की जमीन खुरदुरुद ना हो, मंदिर की सेवा पूजा होती रहे और किसी भी भूमाफियाओं के चक्कर में वो जमीन बचे, जांच कर कार्रवाई की जाए और दबंग लोगों से कब्जा हटाकर किसी अच्छे व्यक्ति या शासन अपने कब्जे में लेकर के उसको जिस प्रकार से शासन चाहे उस प्रकार से उसका क्रियावरण कर सकता है। चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मुन्नी देवी जो है वो हमारी गुरुमाता थी और गुरुमाता ने हमारा भाव देख करके उनने यह इच्छा प्रकट की कि हमारी देखरेख और मंदिर की देखरेख प्रेम नारायण पुजारी ही कर सकते हैं। तो उनने गांव के चार लोगों का बुला करके सबके लोगों के सामने इच्छा जाहिर की और वसीकतनामा मेरे नाम कर दिया, वसीकतनामा कर दिया और हम भाव से ही पूजा सेवा मुन्नी देवी की करते रहे और मंदिर की करते रहे। आज दिनांक तक दबंग लोगों ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और हमको वहाँ से कहा कि आप लोग वहाँ से हट जाइए, दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और कानाव परेशान कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.